सामने आपको दिखेगी एक बावड़ी, इन पहाड़ियों के पीछे की साइड में आपको चूलगिरी दिखने वाला है। अभी हम लोग हैं खोर नागोरिया, यहाँ आपको एक बावड़ी बहुत पुरानी उस जमाने की भी आज भी बनी हुई है। हम जानकारी लेते लेते यहाँ तक पहुँच के आए हैं। यहाँ पे देखो पानी भी भरा हुआ है और आई थिंक ये किसी समय इस तरीके से एक पूरा दरवाज़ा रहा होगा जैसे आगे दिख रहा है आपको। आगे भी चलने वाले हैं हम लोग। देखो भाई खोर नागोरिया में एक बावड़ी बनी हुई है। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं कुछ छोटी मोटी और यहाँ देखोगे पानी भरा हुआ है। एक पहली बावड़ी मेरे को ऐसी मिली है जिसमें नेचुरल पानी लगता है भाई ये, क्योंकि आप लोग देखोगे ना नीचे तो आपको पत्थर भी दिखेंगे और ये पूरा पहाड़ी के नीचे बना हुआ है। इसके उस पार में कुआं है देखो। बाकी आगे जाना थोड़ा रिस्की है क्योंकि टूटा हुआ है ये, आप लोग देख सकते हो ये बनी हुई है पूरी खोर नागोरिया में बावड़ी। कुएं में भी पानी है भाई उधर। देखो भाई यहाँ से प्रॉपर सीढ़ियाँ थी किसी समय उतरने के लिए, बट अब अगर देखोगे ना तो कुछ भी नहीं बचा। और ये देखो भाई ये कलाकृति देख सकते हो आप, पत्थर से पत्थर जॉइंट करके फिर ये पूरा प्रॉपर शेप बनाई हुई है। और नीचे यहाँ से पानी है और नीचे एक दूसरा तल भी दिख रहा है मेरे को, वहाँ अगर आप लोग देखोगे ना गौर से वो इसकी परछाई बन रही है। बाकी आगे भी इस तरीके का पूरा आर्च बना हुआ है और यहाँ से प्रॉपर वॉक करने का था। अब ज़्यादा आगे जाना था यार थोड़ा रिस्की है क्योंकि आगे पानी है और ये पानी मेरे को नेचुरल पानी दिख रहा है। अब देखोगे ना वहाँ पे तो नीचे एक दिखेगा आपको दरवाज़ा और उस पार में है कुआं और ये प्रॉपर ऊपर की साइड का फ्लोर है भाई। ये फिनिशिंग देख सकते हो आप लोग। अगर कोई किसी को अनुमान हो बताना मेरे को ये बावड़ी कब की बनी हुई है और देखो पानी की वजह से कितना कटाव हो चुका है यहाँ पे। यहाँ देखो पहाड़ी के नीचे उस जमाने में पेयजल के लिए ये बहुत ही खास बावड़ी रही होगी खोर नागोरिया में। और देखो यहाँ से सीढ़ियाँ जाती थी बट अभी ये सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। यहाँ देखोगे तो यहाँ भी पूरा कंकर पत्थर है। एक वो तल रहा होगा लाइक वो एक दरवाज़ा रहा होगा, वहाँ से लोग उतर के नीचे आते होंगे। सेकेंड वाले पे हम खड़े हैं और तीसरा पार्ट जो था वो कुएं का पार्ट था जयपुर ज़िले में खोर नागोरिया। तो भाई ये देखो ये बना हुआ है कुआं, देखो वहाँ थे हम लोग।